हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे व्हाट इज़ पिप इन फॉरेक्स। आपके अगर रिलेटिव या फ्रेंड फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते होंगे तो उनसे आपने सुना होगा कि 20 पिप्स का प्रॉफिट हुआ, 40 पिप्स का प्रॉफिट हुआ या 100 पिप्स का लॉस हुआ। तो ये पिप क्या है एग्जैक्टली, अभी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पिप स्टैंड फॉर परसेंटेज इन पॉइंट और प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू एक्सप्रेस द चेंज इन वैल्यू बिटवीन टू करेंसीज। मतलब दो करेंसीज के वैल्यूज़ में जो चेंज होता है उसको मेजर करने का एक यूनिट है। दो मुद्राओं के बीच मूल्य में परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए माप की इकाई को पिप कहते हैं। अ पिप इज यूजुअली द लास्ट डेसिमल प्लेस ऑफ अ प्राइस कोट। मोस्ट पेयर गो आउट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक जापानीज एंड पेयर्स, दे गो आउट टू 2 डेसिमल प्लेस। मतलब 4 डेसिमल प्लेस में जो मोमेंट होगा उसको पिप कहेंगे, लेकिन ये जापानीज एन पेयर में ये 2 डेसिमल में होता है। कुछ एग्जांपल हम देखते हैं पिप कैलकुलेशन की। सपोज इफ यूरो यूएसडी पेयर मूव्स फ्रॉम 1.1050 टू 1.1051, दैट्स 0.001, यूएसडी राइजेस इन वैल्यू इज 1 पिप। मतलब 1.1050 से 1.1051 तक अगर यूरो यूएसडी मूव हुआ तो वो 1 पिप मूव हुआ। यूरो यूएसडी मूव्स फ्रॉम 1.1050 टू 1.1062, दैट्स एन इंक्रीज ऑफ 10 पिप्स। इफ यूरो यूएसडी मूव्स फ्रॉम 1.1050 टू 1.1030, दैट्स एन डिक्रीज ऑफ 20 पिप्स। बट इन जापानीज येन इट्स डिफरेंट, विच इज कोटेड टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। इफ यूएसडी जेपीवाई मूव फ्रॉम 137.30 टू 137.38, दैट्स एन इंक्रीज ऑफ 8 पिप्स। इफ यूएसडी जेपीवाई मूव्स फ्रॉम 137.30 टू 136.96, दैट्स एन डिक्रीज ऑफ 34 पिप्स। तो ये जेपीवाई के लिए अलग है, बाकी जो करेंसी होती है जिनका डेसिमल पॉइंट 4 तक रहता है उनका पिप कैलकुलेशन इस तरह रहेगा, एंड जापानीज येन के साथ जो भी पेयर होगा उनका कैलकुलेशन इस तरह से होगा। इस इमेज से आप समझ सकते हो हर पॉइंट से कितने पिप होंगे। इस पॉइंट पे 0.2 8 पिप्स होंगे, यहाँ पे 30 पिप्स, यहाँ 500 पिप्स, इस पॉइंट पे 1000 पिप्स एंड यहाँ पे 10,000 पिप्स।